हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने ये वीडियो बनाया है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं तो मुझे अब इस पर वीडियो बनाना है। फ्रेंड्स, मार्केट में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई गोरा दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे पे दाग ना रहें, धब्बे ना रहें, छाइयाँ ना रहें, या फिर जो धूप की वजह से, सनटैन की वजह से स्किन पे जो भी ब्लैकनेस आ गई है वो पूरी तरह से हट जाए। हर कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार भी है। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम, मुझे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बता दीजिए, चाहे जितना महंगा हो बता दीजिए, मैं परचेज कर लूँगी। और आपने देखा होगा कि आजकल चलन क्या है, हर जगह चलन है विटामिन सी सीरम का। मैंने आप लोगों के साथ एक DIY विटामिन सी सीरम का जो है DIY मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, जो मुझे पर्सनली मेल करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये DIY ट्राई करें, प्लीज़ हमें कोई ऐसा सीरम सजेस्ट करें विटामिन सी का जो हमारे चेहरों के दाग धब्बों को दूर करे, प्लस हमारे जो भी ब्राउन स्पॉट्स हैं उन्हें हटाए, चेहरे का सनटैन हटाए, जो भी ड्राइनेस आ गई है उसे हटाए, जो भी डलनेस आ गई है उसे हटाए, या फिर जो भी सुंदरता चली गई है, पूरी चमक चली गई है, ग्लो चला गया है, उसे वापस कैसे लाएं। देखिए, मुझसे बहुत से लोग ये भी मुझे बोलते हैं कि मैम, आप मेकअप करती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ, जस्ट आईलाइनर एंड लिप कलर के अलावा। मैं अपना हर वीडियो, मैं पहले के वीडियो की तो बात नहीं कर सकती कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैं थोड़ा बहुत मेकअप करती थी, लेकिन इधर लगभग 6-7 महीने से मैंने जो भी वीडियो शूट किया है वो विदाउट मेकअप शूट किया है। मेकअप के नाम पे मैं मेकअप बेस पे कुछ नहीं लगाती, क्योंकि मेरी स्किन ऐसे ही ग्लो करती है तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ग्लो मेरा क्यों करता है आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई थिंक मैं यहाँ पे बात करूंगी थोले विटामिन सी सीरम की। और ये मेरे पास आया था 3-4 महीने पहले, और जस्ट रिव्यू के लिए आया था कि मैं इसका रिव्यू करूं। लेकिन मैं अभी तक इसका रिव्यू मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। मैंने भी कभी विटामिन सी सीरम कोई भी मार्केट से लेके परचेज नहीं किया, जस्ट DIY ही अप्लाई करती थी, उससे भी मेरा चेहरा काफ़ी शाइन करता था। लेकिन मुझे काफ़ी बार बोला, 2-3 बार कंपनी से फ़ोन भी आया कि प्लीज़ मैम, आप इसका जो है एक बार रिव्यू करिए। और उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए तो नहीं भेजा था, जस्ट ट्रायल बेस पे भेजा था, क्योंकि तब ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं था। मैंने तब से लेके अभी तक मैं जस्ट सीरम के बहुत सारे काम है, कुछ लोग बोलते इस तरह से लगाए, वो कुछ लोग बोलते इस तरह से लगाए। मैंने इसे किस तरह से लगाया वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इस थोले सीरम को मैंने इसलिए भी अप्लाई करना जरूरी समझा क्योंकि जस्ट लाइक मैंने इसे फेशियल सीरम की तरह यूज़ किया है, और इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। इसका एक क्लोज लुक मैं ज़रूर देना चाहूँगी। और इसमें जो है वो जोजोबा ऑयल है, विटामिन सी 20% है, और ये प्रोफेशनल फेशियल सीरम है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और सच में ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसका, मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और मेरी जो शीशी है वो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये अगर जो आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी बची है, यानी कि मैंने जब पूरी यूज़ कर ली तब मैं आप लोगों से इसका जो है रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इसका देखती हूँ इसका क्या असर है, क्योंकि अगर आप इतना पैसा खर्च करोगे तो आप चाहोगे कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और इस रिजल्ट की सबसे, इस जो ऑयल के सबसे एक खास बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग भी अपने फेशियल के हेयर्स जो हैं उन्हें सोचते हैं कि वो ब्लीच करें उसे ब्राउन करने के लिए, तो ये हेयर जो है, ये जो ऑयल है वो नेचुरली उन्हें ब्राउन कर देगा। जिनके भी हेयर्स हैं, मेरे तो इतने नहीं हैं, लेकिन आप देख लोगे जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो नेचुरली ब्राउन हो गया, यानी कि आप अगर इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपको ब्लीच लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, जिसमें नेचुरली आपको ब्लीचिंग एजेंट होता है जो आपके स्किन को फ्लॉलेस लुक देगा, बहुत ज़्यादा गोरा बनाएगा। गोरा इसलिए बनाएगा क्योंकि जो हेयर है ब्लैकनेस की वजह से उसे वो ब्राउन करेगा और फेस ग्लो दिखेगा। और विटामिन सी का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो जो है आपके यानी कि जो एजिंग है उसे रोक देगा, जो यहाँ पे फाइन लाइंस हो जाती हैं यहाँ पे ये उसे बहुत अच्छे से रोकता है। पहले मैं इसका एक क्लोज लुक दिखाती हूँ, देन आपसे उसके बाद बात करती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये है थियोले का विटामिन सी सीरम, और सबसे अच्छी बात है ये प्रोफेशनल फेस सीरम है। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो विटामिन सी 20% है, विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है इस तरह से, और 30 ml बॉटल आपको 2499, ये इसका रेट नहीं है। इस समय आप देखेंगे तो आपको 1700-1800 में मिल जाएगा, यानी काफ़ी अच्छा ट्रेमेंडस रिजल्ट है। आप ये सोचिए कि जो अगर आपने 30 ml बॉटल लगा ली तो आप बहुत अच्छे से अपने स्किन को टेक्चर दे पाओगे, फेयर हो पाओगे, और जो भी स्किन है, मैं ये नहीं बोलती कि आप गोरे हो जाओगे, आपकी स्किन यानी सांवली भी है, गोरी भी है, जो भी टेक्चर है वो आपको एक ग्लो दे देगा। तो ये है इसका थियोले, और मैं भी आपको इसको लगाने का सही तरीका भी बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से। तो फ्रेंड्स ये है इसकी पैकेजिंग, और कांच की बॉटल में है, पंप में दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगी कि ये पंप में दिया हुआ है, निकालने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है बिकॉज ये कांच की बॉटल में, इसका सबसे माइनस पॉइंट मुझे यही लगा। और इसका जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी पसंद आई। इंग्रेडिएंट की बात मैंने पहले भी की थी, प्रोफेशनल सीरम है, जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, 30 ml पैकेजिंग में है। और इसका जो प्राइस है जो इसमें मेंशन किया हुआ है वो 2499 है, लेकिन अगर अभी आप जो मैंने लिंक दिया है उस पर जाके देखेंगे तो आई थिंक 1700-1800 में आपको इजी वे में मिल जाएगा। और पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, बस एक माइनस पॉइंट है कि ये कांच की बॉटल में है तो थोड़ा सा ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये पंप में दिया हुआ है तो आपको निकालने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट निकाला और अप्लाई कर लिया। तो अब मैं बात करूँगी कि इसे अप्लाई करना कैसे करें। देखिए जो चीज़ें इसमें मेंशन है वो है कि आप मॉर्निंग में अप्लाई करो, नाइट में अप्लाई करो, बिफोर मेकअप अप्लाई करो, लेकिन मैं इसे एज अ नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। जस्ट रात में फेस को वॉश किया, जिस भी फेस वॉश से आप वॉश करते हो, देन आपको इसे ये अप्लाई करना है। और मैं आपको एक पंप निकाल के इसका दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा है सारे ऑयल्स का मिलके, आप इसे फेशियल ऑयल भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। और मैं इसे मेकअप के पहले लगाती हूँ, दो जगह मैं इसे अप्लाई करती हूँ, और मॉर्निंग में नहीं अप्लाई करती क्योंकि ऑयली ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं हमेशा नाइट में अप्लाई करती हूँ और मॉर्निंग में मतलब बिफोर मेकअप अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से आप भी यूज़ करिए, काफ़ी ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसका, और पंप बॉटल में दिया हुआ है इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। तो विटामिन सी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्किन के जितने दाग धब्बे हैं उन्हें दूर करेगा, सन टैन रिमूव करेगा, जो भी हल्के फुल्के, जो भी सबसे बड़ी बात है कि आपके बैल जो भी ब्लैक हेयर है उन्हें ब्राउन करेगा, एजिंग को रोक देगा, यानी कि आपकी एज स्किन की एज को रोक देगा, स्किन ढीली नहीं होने देगा, और पिंपल्स को भी कहीं ना कहीं ये दबाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, पिंपल्स में भी ये काम करेगा। और थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो कॉस्टली है, लेकिन आप इतनी क्रीमों का जो भंडार लेके अपने घर में रखते हैं और वो वर्क नहीं करते हैं, उनकी क्रीमों को भंडार के अगर आप जोड़िए ना उनका पैसा, तो इससे ज़्यादा कॉस्टली आपका पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे एक बार मंगाओगे तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं बता नहीं सकती। जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो देख सकते हैं, उन्होंने पहले के मेरे देखे होंगे डार्क सर्किल, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो डार्क सर्किल जैसा नेचुरल उसमें आ गए हैं, यानी कि मुझे मेरे बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते, जस्ट लाइक लगता है कि मैंने आई मेकअप किया हुआ है। तो उसको भी काफ़ी ये स्किन पर ट्रेमेंडस वर्क करेगा, स्किन की सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप दुल्हन बनने वाली हो, तो ये सीरम जरूर ट्राई करो। और जो लोग भी अपने फेस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं वो इसको जरूर ट्राई करें। मैंने भी जब इतना सब कुछ खर्च कर लिया तब मैंने आपसे इसका रिव्यू शेयर किया, क्योंकि इतना पैसा आपको लगवा के मेरा भी कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैंने मुझे काम किया है देन मैं तब आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मे बी 2499 दिया है, मैंने अभी लेटेस्ट में चेक किया था 1800-1800 का है, मे बी और कम हो गया हो, तो एक बार साइट पे जाके चेक जरूर करिएगा। जो लोग भी अपनी स्किन को आई थिंक सब प्यार करते हैं, लेकिन जो लोग सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और दुल्हन बनने वाले हैं कुछ महीनों में, तो इसे लगाइए। और मैंने भी इतनी जल्दी इसका रिव्यू नहीं शेयर किया, अप्लाई करने के बाद ही शेयर किया। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार लिंक पर क्लिक करके चेक जरूर कर लीजिएगा कि इस समय इसका प्राइस क्या चल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।